क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बेटी के लिए उसके पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, लेकिन जोधपुर के नूनी में एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया, विरोध करने पर जानवरों की तरह पीटा। परेशान होकर दादा ने पोती को गांव के पास ही किराए का कमरा दिलवाया तो वहां पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उससे दरिंदगी की। आरोपी ने 28 दिन तक बंधक बनाया और नशे की गोलियां देकर रोज दुष्कर्म करता रहा। थक हार कर पीड़िता घर लौटी तो पिता गुस्सा हो गया। 4 दिन पहले आरोपी ने बेटी को बुरी तरह पीटा। गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने दांतों से बेटी की नाक ही चबा ली। गंभीर अवस्था में पीड़िता को MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नाक की सर्जरी करनी पड़ी। NGO ने बेटी से संपर्क किया तो मामले का खुलासा हुआ। सेवा संस्थान के अध्यक्ष पवन मिश्रा के सामने पीड़िता के सब्र का बांध टूट गया और उन्हें पिता और उस युवक की दरिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। देखिए हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा की दिल को झकझोर देने वाली ये खबर। और लड़की को ना काट लिया इनके पापा ने, और लूनी हॉस्टल में गालियुड़ी थी, ये कमरे में रहती थी, कमरा लिया किराए कोराने से, एक लड़के ने बंदर बना देगी, इन्हें दवाई में पिलाई, कहीं भी पिलाया, मोहरे को फोन नहीं करने देते, और फोन करने देते तो ऐसे करते हरिद्वार को, क्या आज मैं छुट्टी में हूँ, आज आ जाओ, और विनय चक्कू से डरा था कि मार देंगे दादे को बात कर दी तो, ऐसा धोखा हुआ है। फिर हमारे लड़के ने दबाव दे दिया है, मोटे वाले ने, कि डोकरे को लड़की को मार दो। सारोई लारे गाड़ी लेके मारे 20 किलोमीटर लारे आए थे, मैं दूसरे रास्ते आ गया, वो रास्ता नहीं मिला मिल के, मैंने फोन हो गया कि आपको आज 2 जना थे जोधपुर, मत जाओ आपने मारेगा, तो मैंने वो सोचा कि किन्ने हाथ ले जाऊँ, कोई हाल ही नहीं है, वो दारूड़ियों का मौने अपने कोई नहीं मौने, तो मैंने रास्ता छोड़ के जोधपुर पहुंचा गांधी हॉस्पिटल। पर उसके साथ गलत काम किसने किया? वो गलत काम तो सारा ने किया साहब, वो मैंने किया, एक तो ये पापा ने किया है, एक वो बंदर बना के रखा, अभी ने क्यों किया है, मैंने कहीं ठा है, मेरे को तो मालूम नहीं है। नहीं, पुलिस में आपने इतला की? पुलिस ने इतला की ना काटने के बाद में, पहले तो मैंने तो कोई ध्यान नहीं था, कहे पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कर दी सर, कर दी, भी ने जेल में डाल दिया। तो मामला दर्ज हुआ है, किस तरीके का मामला है और क्या मामला है? लूनी थाने के तहत हींत गांव में एक नाबालिग बच्ची ने अपने पिता पे 2 महीने पहले जो उसका यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया, बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, उसके 164 के बयान होने हैं।